मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। We'll be right back.
जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पर नीचे पता है सभी यहाँ पर बैठे हैं, इधर की उधर कोई ना घूमे। सभी बच्चे नीचे बैठ जाएं। इसमें गड्ढे में डालने पड़ेंगे, लग गया गड्ढे में डाल कर ले लेना पड़ेगा। ओके सर, ठीक सर, नमस्कार। Swagatam, 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 swagatam.
Thank you.
और उन्हीं का स्वागत हो रहा है अपने गुरुदेव के द्वारा बहुत ही प्यारे बच्चों, सभी जन प्रतिनिधियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे पे जो हमारी SVGM जो यहाँ पे गोरीलाल जी जिसके प्रिंसिपल हैं, तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्टेट लेवल मैथ ओलंपियाड। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाइयाँ इस बात के लिए देना चाहूँगा, एक बार जोरदार ताली आप स्कूल प्रशासन के लिए बधाई। उसके बाद मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ट्रॉफियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, तो मैं उन सभी प्यारे बच्चों जो मुझे बताया गया कि 52 बच्चे 13 नंबर से आए हुए हैं, ये सभी ट्रॉफियाँ आप यहाँ से लेके जाएं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें, और स्कूल प्रशासन ने मुझे आज यहाँ पर याद किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मंजिल के रास्ते में जितने वो सख्त पत्थर पल में रह कर देंगे बुलंद इरादों और हौसलों से, बुलंद इरादों और हौसलों से आसमान में छेद कर देंगे। आसमान में आमंत्रित करना चाहूंगी सलोनी हाड़ा जो एक राजस्थानी गति पेश करना चाहती है।
Yeah.
इसके पश्चात इसी मधुर घड़े में मैं हमारे बीच उपस्थित ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जन लोकप्रिय हमारी सीरियो मैडम श्रीमती तराजी मेहरा हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम के विषय में दो शब्द बोले हमारे प्रेरणा उनके प्रेरणादायी संबोधन से हमें हमारा मार्गदर्शन करें मैडम श्री तराजी मेहरा। मंच पर विराजमान अधिकारी अभिभावक जन प्रतिनिधि इस विद्यालय के समस्त स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों जो कि 13 क्लस्टर से पधार रहे हैं यहाँ पर और 52 बच्चे मैथ्स ओलंपियाड में भाग लेंगे। वास्तव में आज का दिन बहुत खुशी का है। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे, आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिला स्तर पर भाग लिया और आज राज्य स्तर पर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। सभी बच्चों को जो इस प्रतियोगिता में लेती हूँ आशीर्वाद देती हूँ कि आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें अपने विद्यालय का।
सबसे पहले मैं सीनियर लेवल का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करूंगा। पहले अनाउंस करूंगा कि टीम नंबर जो छठी स्थान पर जो अपनी आई है भारतीय चाल जी छठी स्थान पर जो टीम आई है राजेश की उसका नाम है SVGMS कुरुड़ा भिलवाड़ा जोरदार ताली भिलवाड़ा टीम के लिए। इनके स्टूडेंट की जो औसत मार्क है वो है 10.5 और इन्होंने छठा स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत बधाई टीम को। पांचवें स्थान पर जिस टीम ने जगह बनाई है उसका नाम है SVGMS नेनवा बूंदी, जोरदार तालियां बूंदी की टीम के लिए, बहुत बहुत बधाई बूंदी की टीम को। चौथे स्थान पर जिस टीम ने बाजी मारी है उस टीम का नाम है SVGMS दीपुरा चित्तौड़गढ़, तालियां जोरदार तालियां चित्तौड़गढ़ टीम के लिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन चित्तौड़गढ़ टीम का। SVGMS दीपुरा और नेनवा दोनों टीमों ने सेम स्कोर किए हैं, दोनों के औसत जो नंबर है एवरेज मार्क वो है 11। तीसरे स्थान पर जिस टीम ने जगह बनाई है उस टीम का नाम है SVGMS महुआ दौसा, जोरदार तालियां दौसा टीम के लिए, बहुत बहुत बधाई दौसा टीम को। इनके जो एवरेज मार्क है वो है 20 out of 20 जो मार्क्स मैं अनाउंस कर रहा हूँ वो आउट ऑफ 20 है सभी टीम्स के और दोनों स्टूडेंट के औसत मार्क्स हैं। दूसरे स्थान पर जिस टीम ने जगह बनाई है उस टीम का नाम है SVGMS खंडा सावरपुर, जोरदार तालियां टीम के लिए। इनके जो एवरेज मार्क है वो है 13.5 आउट ऑफ 20, बहुत बहुत बधाई खंडा टीम को। प्रथम जो स्थान बनाया है टीम ने उस टीम का नाम है SVGMS थाना गाड़ी अलवर, जोरदार तालियां के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है टीम ने। इनके एवरेज मार्क है 14, अलवर टीम के लिए जोरदार तालियां। छठे स्थान पर जो टीमें आई हैं क्लास 6th B आपको दिए जाएंगे, उसमें आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। सीनियर लेवल में नागौर और बूंदी SVGMS नागौर बूंदी। मेरे सक्षम अधिकारी हंसराज जी मीणा साहब, इस विद्यालय के डायनेमिक प्रिंसिपल, डायनेमिक नॉट डायनामाइट, मिस्टर पुरीलाल जी मीणा, यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल सर योगी सर, डक साहे, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए बालक और बालिका और उनके साथ आए शिक्षक साथी, अभिभावक और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के SMS के सदस्य, और इस भव्य कार्यक्रम को मूर्त देने वाले इस विद्यालय के समस्त कार्मिकगण, कुछ बात मुझे कुछ पता नहीं है, उसके पहले मैं सर्वप्रथम तो आपको इस मैथमेटिक्स डे की बधाई देता हूँ। मैथमेटिकल जीनियस रामानुजन के जन्म दिवस पर आयोजित इस मैथ्स ओलंपियाड में आप लोग जिस मनोबल के साथ आज राजेश की गणित की मॉडल स्कूलों की प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी बालक बालिकाएं, सबसे मंचा से मेरे सभी सम्मानित साथियों और इनके साथ पधारे हुए टीचर्स, विद्यालय के स्टाफ, जनप्रतिनिधि, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैथमेटिक डे की सभी को शुभकामनाएं।
में सरकार की ये जो मॉडल स्कूल की जो योजना है इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। आज ऐसे ही विद्यालय यदि झालावाड़ में संचालित है जहां पर बच्चे की फीस महीने की करीब 4,000-5,000 रुपए फीस है और ऐसी ही सुख सुविधाएं हैं, ऐसा ही मैनेजमेंट है, फिर भी उसके बाद भी उनके पास इन जैसे योग्य टीचर वहां पर नहीं है। सारी जो सुविधाएं स्कूलों में सरकार ने दी हैं और वो भी इसलिए दी हैं कि हमारे ग्रामीण अंचल के गरीब के बालक बालिकाएं इन विद्यालयों में पढ़े और उन पैसे वालों के बच्चों के साथ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन करके अपने जीवन को संवार सके। ये बच्चियां जिनकी प्रतिभाएं तो है लेकिन वो ऐसे माहौल में आ नहीं पाती हैं, ऐसे माहौल को बन नहीं पाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो सरकार ने यहाँ पर झालावाड़ से 25 किलोमीटर दूर इस ग्रामीण परिक्षेत्र में ऐसा विद्यालय देकर के और यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है। सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बाकी है मंजिले जमीन पर नहीं अभी आसमान बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर सुनामी सरी अंदर कई तूफान बाकी है। तो इसी के साथ में आगे सीनियर लेवल के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहती हूँ। सर पेपर लिया गया जिसमें छठे स्थान पर जिस टीम ने अपनी जगह बनाई है वो है SVGMS। तीन मिनट का समय है, अपना पेपर कीजिए। दर्शक और श्रोता जो जजेस खड़े करें तुरंत तत्काल प्रभाव से। मंच के दाएं तरफ से आवाज आ रही है, अंदर से बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट बनाइए। दो मिनट पूरे हो चुके हैं, एक ये जो शिक्षक साथी खड़े हैं प्लीज कंट्रोल द वायलेंस। ओके सर, ठीक है ठीक है। Thank you.
टीम इंचार्ज से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, दूर से आए हैं, मैं जानता हूँ सर्दी का टाइम है, लंबा समय आपको लंबा सफर तय करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी लगभग भोजन तैयार है और 2 बजे खाना शुरू करवा दूंगा मैं, तो आप अगर जाना चाहें मोमेंटो प्लस आपके सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, आपको रिलिंग दे दिया जाएगा और आप खाना खा करके यहाँ से निकलेंगे, ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि रास्ता लंबा है, आप लोग शाम हो जाएंगी, कई तरह की समस्या है, बस लेट है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है रास्ते में, इसलिए बच्चों को आप खाना खा कर फर्स्ट वो फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई You have a pound of cotton and a pound of iron, which will make more such as a circle at a single point. Name the straight line that touches a circle at a single point. Two trigonometric ratios whose value cannot be greater than 1. If 27 February. Then R 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then the coordinate of centroid is vertical 4, 5, 6. Then the cube is equals to here. SEF of 17 and 21 is. Number of days in a leap year. 366. SEF of 17 and 21 is. Sum of exterior angle of a polygon. Square of 15 is. Additive inverse of minus 2 by 5 of minus 2 by 5 17 multiply 8 10 and 15 1000 multiply 500 to power 0 is equals degree angle is called volume of a cube is in 53,520 is value of 3 in 53,520
बच्चे हजारे ताली से तो ये जो डांस है ये तो हमारे लिए छोटे छोटे सरप्राइज है। सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमारा पूरा कॉन्टेस्ट हो जाएगा, मैच चलन तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट रहेंगे वो सबसे ज्यादा हमारे लिए मेन सर्वे रिजल्ट के बाद दो राउंड और रहेंगे हमारे पास। इन राउंड्स के साथ ही सिस्टम हेड का सर का चार्जर भी नहीं है। अब आर तो नहीं आ रही जो मैं कर रहा हूँ। सर चार्जर का कलर बता, बच्चे पूछ रहे हैं कि मिला है नहीं। ब्लैक व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का चार्जर। सर इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे तो मैंने पूरा इसका फाइल बना के रूल रेगुलेशन बना के अपने शिक्षा संकुल जयपुर भेज दिया। वहां से सबसे पहले जो मैडम थी उन्होंने मेरे को अपने स्कूल में कराने की परमिशन दी। वहां से अधिकारी लोग आए, प्रोग्राम देखा, कंटिन्यू 6 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें 7 राउंड थे, स्पीच राउंड और मैथ एग्जीबिशन और इंक्लूड था उसके अंदर। उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने इसको नेक्स्ट ईयर अपने मॉडल स्कूल के कैलेंडर के अंदर स्टेट लेवल के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया। और उसके बाद से अभी तक इसको मैंने 2 बार स्टेट लेवल पे करा चुका हूँ, एक मैं अपने स्कूल कोटड़ी के अंदर और एक मॉडल स्कूल सापरा के अंदर, और 6 बार इसको कलेक्टर के अंदर करा चुका हूँ। इसके अंदर टोटल ये 5 राउंड के अंदर कॉम्पिटिशन है। पहले राउंड के अंदर अच्छा प्रत्येक स्कूल से इसमें क्या था, 2 बच्चे जूनियर के थे, 2 सीनियर के थे, तो फर्स्ट जो राउंड था वो क्वालिफाई राउंड है। इसके अंदर प्रत्येक स्टूडेंट को टेस्ट दिया गया है 40 मिनट का और उसमें 20 क्वेश्चन, कोई माइनस मार्किंग नहीं। जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के जिन स्टूडेंट ने स्कोर किया था उनका एवरेज उस टीम का स्कोर था। सुरखी जो 6 टीम है वो नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट चलो टाइम की कमी होने की वजह से सर ऑलरेडी आपको दिया है तो आप अपने लोगों से लेके चलिए और नॉर्मल नहीं छोड़ दे। सिर्फ सीनियर हम सब यह जानते हैं कि धरती गोल है और वह सूरज से एक निश्चित दूरी पर घूमती है। सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, मगर इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि निकोलस कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही भारतीय खगोल शास्त्री
आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी। आर्यभट्ट की गिनती प्राचीन समय के महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में की जाती है। हुआ था आर्यभट्ट के जन्म स्थान को लेकर आज भी कई विवाद हैं। एक मान्यता के अनुसार यह कहा गया है कि भगवान बुद्ध के समय काल में अश्व बस गए और आर्यभट्ट का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। उनका जन्म पाटलिपुत्र के समीप स्थित कुसुमपुर बंध में इतिहासकारों के अनुसार गुप्त साम्राज्य के आखिरी दिनों में वे नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े थे। गुप्त काल को लोग आज भी भारत नहीं ज्ञान दान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर भी थे। आर्यभट्ट का मानना था कि पृथ्वी का आकार गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है और इसी वजह से दिन और रात का अस्तित्व है। कई अंधविश्वासों को उनके द्वारा चुनौती दी गई और उन्होंने हिंदू मान्यता के अनुसार राहु नामक ग्रह द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निकल जाने के कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं। श्रीमान सरदार सिंह एस बकानी, एस विजयनाथ बकानी, तीन चार घंटा तीन, हाँ उसको छोड़ दो आगे करो योर टाइम Oh,
2 minutes remaining.
बाहर के जिलों से जो प्रतिभागी पधारे हैं उनको बता दें कि कहीं कहीं इसको दाल बाटी चूरमा कह देते हैं, यहाँ पर दाल का जो बाफला कहा जाता है वो आपको भोजन में परोसी गई है। तो ये चीजें जो देखने को मिली, ये एक सफल मैनेजमेंट की कहानी हमने यहाँ बयान करती है कि एक एक पक्ष पर कितनी मेहनत की गई। इसके लिए पूरी लाल जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरु जी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। बड़ा मन है उतना कम है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि साथ जी के लिए जाने जाते हैं, ब्लॉक लेवल की स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव है और इतने बढ़िया इन्होंने स्कूल का डेकोरम कर रखा है कि ये स्कूल जो ब्लॉक लेवल का स्कूल है ये पूरे राजस्थान में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मॉडल स्कूल की जो कल्पना सार्थक होती है वो इस स्कूल को देख करके आप सार्थक कर सकते हैं कि इस स्कूल में आइए और देखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल किस तरह से रन होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जो कल्पना यंगस्टर्स को तैयार करना और राज्य सरकार की जो कल्पना है, दोनों ही इस विद्यालय में आकर के आप अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं कि कितना शानदार तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट चल रहा है। पूरी लाल जी के लिए मैं एक चंद पंक्तियों से उनको मेरी श्रद्धा नमन करूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते में मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना में तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आप। फिर से मैं रिपीट करूं, सामने हो मंजिल तो रास्ते में मोड़ना, जो भी मन में हो सपना में तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस तारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, बस तारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। निश्चित रूप से ये पंक्तियां आपको मेरी तरफ से श्रद्धा के तौर पे हैं। आप मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। और कमियां कहीं किसी को ढूंढनी है तो ढूंढे, हमें उससे परवाह नहीं है। कमियां किसी को ढूंढनी है तो उसकी नजर है, उसकी सोच है, तो जहां से कमी ढूंढता है ढूंढे। टीमों को बाहर जाना है, मैं नहीं चाहता कि आप काफी ज्यादा विलंब हो। परिणाम लगभग तैयार है और अभी आपके सामने उसका अनाउंसमेंट होगा। इससे पहले ब्रजमोहन जी सुमनिया विराजमान है, हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और आपका भी विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच बड़ी रहती है और बराबर आप हमें सहयोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सीनियर लेक्चर मिस्टर परमेश्वर मीणा यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करें। आपकी भावनाओं पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे चैलेंज ज़्यादा स्वीकार है। जब तक चैलेंज नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा लाइफ में। यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, इसलिए जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन साथ जज्बे के साथ और थोड़ा। मैंने भी कई जगह विजिट किए राजस्थान विश्वविद्यालय से, भूगोल विभाग का मैं छात्र रहा हूं, आज भी हूं और भूगोल के साथ हारोदी का विशेष लगाव रहा है। यहाँ पे वो सारे संभव आपको देखने को मिलते हैं। एक मेरे साथी जूनियर यही बैठे हैं, वो जो लेक्चरर है, जो आहुस पर्वत नेमाज जिसके बीच में ये आपका गागरौन का जो दुर्ग स्थित है वो इसकी इतिहास को दर्शाता है। लेकिन जिस काम को आज आपने अंजाम दिया, जिस काम को आपने अंजाम दिया वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है, जिसमें विशेष रूप से ये जो मॉडल विद्यालय सुबह से हम देखते हैं उसमें आपका ये जो रंग रोशन, आपकी साज सज्जा, आपका जो सभी मॉडल विद्यालय के टीचर्स हैं उनके लिए प्रेरणादायी ही नहीं अपितु उसका अनुकरण करें अनुकरणीय भी है। सर अभी नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ आपके, लेकिन सर ने आपकी तारीफ की कि नवोदय विद्यालय का जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ किया है, मैं चाहता हूँ हर वो जो इस फील्ड में है कभी भी अपने आप को छोटा ना माने। किसी के पास पोस्ट तो समय के साथ मिलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हो उसमें आपके अनुभवों को जोड़ करके आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल हमेशा सदैव उच्च रहेगी। जहां तक माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद रहेगा, हम सभी जो शिक्षाविद बैठे हैं सम्मानित जन इनका अनुभव लेकर के जाएं और इसको राजस्थान के प्रत्येक भाग में इसको पहुंचाएं।
ऐसा मॉडल विद्यालय मिले सभी जो 24 मॉडल विद्यालय लगभग हमारी जो टीम है भूगोल विभाग में हमारा विभाग ऐसा है कि लगभग प्रत्येक मॉडल विद्यालय में प्रत्येक मॉडल में नहीं तो आपके क्लस्टर में 4-5 लोग मिलेंगे और उनमें से सब लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है सब जगह हम गए हैं उनमें आपकी जो ये हड़ौती की मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि अपन यहाँ पहुंच जाएंगे इस अस्तावर में बहुत ही बेहतरीन और आपके लिए मत कर परवा उनकी मत कर परवा उनकी जो आज देते हैं ताना जो आज देते हैं ताना झुका देंगे ये सर झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना जब आएगा तेरा जमाना लहरे बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना कश्ती का काम है बहना कुछ 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 तो लोग कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लोगों का काम है कहना अपना ये मिलना मैं चाहता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ माँ साथ दे हमारे साथ रहने दो उजाले अपनी याद ही रात होगी फिर दूर तलक रात ही रात होगी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी मुलाकात तो होगी। एक सर दो मिनट और लूंगा लोगों की थोड़ी सी रही है कि आज 22 दिसंबर है हमारा भूगोल का दिवस भी है तो गणित का दिवस भी है आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और जो रामानुजन जिसके ऊपर जो अपन बात कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं कुछ एक पंक्ति लिख करके लाया हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। था एक छोटी उम्र का नौजवान श्रीनिवास रामानुजन है जिसका नाम भारत माँ की गोद में जन्मा सदी का एक सपूत महान धन्य है वो मातृभूमि जिसने ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया। मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ या फिर रहा वो जो हाड़ाराणी के रूप में विख्यात हुई है और आज के जो प्रतिभागी हैं उनके सम्मान में एक छोटी सी चंद लाइनें हैं। मायूस मत होना जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद जय भारत। हमारे पूरे स्कूल के स्टाफ ने यहाँ पर मेहनत की है और 8 घंटे से यहाँ पे लगे हुए हैं और अगर कोई गलती भी हुई है तो हमने इसको सुधारने की कोशिश की है। तो एक बात मैं बता दूं मिस शिवानी के बारे में क्योंकि शी इज न्यूली थर्ड स्थान प्राप्त किया है।
फिर से मैं नाम बता दूं, सोनी और जागर तोड़कर। यस सर, सामने के इसके बाद मैं याद करना चाहूंगा
सर रुक जाए। तो उस तरह से आपको व्यवस्थित होना है और मंच के सामने जैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा Oh,
साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे विद्यालय के अभिभावक एवं भवनशाह श्रीमान ब्रजमोहन जी सुमन साहब असनावर, साथ ही विराजमान श्री देवेंद्र जी पाटीदार जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं इन्होंने में और इस विद्यालय के लिए काफ़ी कुछ किया है इन्होंने, आपका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। साथ ही विराजमान समस्त MGS और मॉडल स्कूल से पधारे टीम इंचार्ज प्यारे बच्चों, साथ ही स्थानीय स्टाफ और जैसे भी उनसे कहा कि उनके हर कमरा में स्कूल में थोड़ा बच्चा इसके लिए धन्यवाद आपके द्वारा मेरे परिवार आपका बहुत बहुत निर्भर अर्पित करता है का निर्भर करते हुए मैं अब ये मायक आज के जो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर है मिस्टर सुनील कुमार जैकेता फिजिकल एजुकेशन और उनकी टीम को सौंपता हूँ कि वो आगे की Father.
तीनों टीम में सभी स्कूल करते हुए योग का मतलब होता है योजना आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। आज हम यहाँ पर उसी प्रकार का मिलन देखेंगे इन नन्हे मन्ने बच्चों से और प्रतिनिधि पर आए हुए तीन इंचार्ज
मेरे साथ समसा से पधारी हुई कार्य बालक बालिकाओं बहनों एवं अन्य उपस्थित गणमान्य सज्जन। सबसे पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो ये कार्यक्रम है बहुत ही अनुशासनबद्ध और रोचकता के साथ किस तरह से हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों में अपनी कला का प्रदर्शन कर अतिथियों को किस तरह से सम्मान किया और जो अभी हमारे भैया और बहन जो मार्च पास्ट में थे उनके चरणों की कदम ताल इस बात का हमें संकेत दे रही थी कि शायद जब वो हमारी स्थिति में होंगे तो हमारे देश का हमारे राष्ट्र का और भी अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। मैं खड़ा होने पड़ोगे दो मिनट तक मूवी चला रहा दो मिनट तक लगा बंद कर ये योग वाला जो पाठ है ये हमारे जीवन की अगर हम सभी इसको अमल में लाए तो अभी दो साल पहले महामारी से हम ग्रसित थे कोरोना वायरस छात्र है वो इसको करें तो हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। तार मतलब वृक्ष के समान तो कहाँ है
मेरा मन किया जो मैं सुना वो मूवी तो बचा होगा अपने वेरी गुड 50 तो धन इस आसन से भी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी ही बढ़ती है। जिससे दिन भर की जो थकान हो जाती है अगर इस मुद्रा में 10 मिनट हो जाए तो पूरी थकान खत्म हो जाती है। कदू है काम तो थक लगे चलो थक लगे रख लो काम पर 500 रुपये कुछ मिले 500 रुपये बहुत शानदार त्रिकोणा संसार अरे पीछे आ रही जब आ रही अच्छा 40 स्वागत करो जरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस पे जोरदार ताली ताली लगातार करनी चाहिए।
बहुत अच्छा प्रसंग है। जोरदार ताली। हम जब पढ़ते थे तो कंटिन्यूस ताली बजती थी, कंटिन्यूस, और अलग तरह की ताली बजती थी वो थ्री हैंड वाली। सर जजेस के पास से फोटो ना ले, आपके लिए मैं पंक्तियां ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही। समान समान उच्च हो जा रहा है। आए जाकारियों के जाकारियों शाम की तरह डंडो भी चुप काट रहे हैं उन्होंने। मत ये जिसार जो तू का सब नहीं है। मेरी मां की होती है, बहुत अच्छा कहता हूँ, फिर मैं ताली की मांग कर रहा हूँ तुमसे। समंदर में लहरों का अभी पूरी साइड में बोला स्पष्ट दिख रहा है मुझे, वो रौनक है, वो गायब हो चुकी है। इससे तो जोरदार रौनक हमारे चेहरों पे है। विद्यालय की रीट थर्टी एटी मिस्टर ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम पड़ाव की ओर तेजी अग्रसर हो रही है और इस ढलती हुई सूरज की शांति वेला में उसे होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सके थे। पुणे में माइक वापस श्री श्री कुमार। बहुत अच्छा, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। नहीं होते हैं इसलिए जोरदार ताली वो ही कर सकता है जिसके हाथ के मसल से मजबूत हो।
जबरदस्ती नहीं करना। जोरदार ताली। ये मयूर तो है लेकिन सावन पे मयूर नहीं है, ये मयूर तो है लेकिन सावन में जो मयूर आते हैं वो नहीं है, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मयूर हैं। आसन के साथ जबरदस्ती ना करें। We'll be right back.
Rada Rani, 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 Rada Rani,
की दौलत बजाने की जो कला है वो मुझे आप राठौर आप खिंचाओ मोबाइल में सही नहीं होगा आपका बात है। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा आपको स्वीकार करें आपकी व्यवस्था मुझे कुछ नहीं चाहिए जो दोगे वो ले लूंगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम क्या समझ वाले हैं मेरे लिए लेकिन आप हमेशा जब जब भी आपको बुलाते हैं किसी भी काम के लिए आप तैयार रहते हैं आपकी सेवाएं और फोटोग्राफर एस एम सी अध्यक्ष श्रीमान रामराम जी गुर्जर द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। बहुत सुंदर Thank you.
इसके बाद सेकंड पोजीशन पे रुको बकानी का भीषण शर्मा एंड नमन माथुर नेज कमॉन स्टेज फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने वाले इसके बाद सीनियर ग्रुप में ही इसके बाद में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है सर सामने की सेकंड पोजीशन के लिए हर्षिता सुमन है इसके बाद ग्रुप में सीनियर जब श्रुति शर्मा एंड चारुल बार बार इसमें थर्ड पोजीशन प्राप्त की है एचवीएमएस मॉडल स्कूल अकेला से वाड़ा एंड आशु मेवाड़ा तैयार रहे ईशु मेवाड़ा पोजीशन प्राप्त की है एचवीएमएस असनावर जूनियर बॉयज ग्रुप इवेंट इसके बाद ग्रुप के लिए एस वी एम एस बकानी के बच्चे तैयार रहे ग्रुप में जूनियर रावत से मोनिका रोलाब ग्रुप इवेंट में जूनियर गर्ल्स में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है मॉडल स्कूल असनावर से सेकंड पोजीशन प्राप्त इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर है एस वी एम एस अकलेरा अक्षरा बेराक्षा यदुवंशी फ्रॉम एस सर साहब इसके बाद जूनियर जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था वो आ जाए जूनियर बॉयज में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है असनावर के बच्चों ने सर सामने देखिए असनावर से जिसने प्राप्त की है एस वी एम एस असनावर सिंगल स्कूल इवेंट व्यक्तिगत स्पर्धा में असनावर सीनियर बॉयज इंडिविजुअल सर सामने देखिए सर प्रदीप जी योगाचार्य धारावर और व्यक्तिगत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और आगे काम में करता हूँ कि आपके से बहुत बहुत आभार आप तीनों का तीनों महानुभावों का और मैं चाहता हूँ कि पर्सनली बुलाऊंगा एक बार को और मैं सिर्फ थोड़ा आपके सदरंगी कौन दबरिया सर थे और मत कर आज के हेलो हेलो तो स्कूल वाला स्टाफ है इधर अगले बगल का हाँ वीडियो बना रही हूँ तो सर सामने सर 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 की जगह हो गई राकेश जी सर इतने होना नहीं दे रहे तो बात करो नहीं सर साहब